नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। भारत में लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो एक बड़े खतरे का संकेत है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर में एक 75 साल के बुजुर्ग की ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आई थी। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर को इस बुजुर्ग को उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बुजुर्ग में खांसी, बुखार और राइनाइटिस के लक्षण थे, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। इसके बाद 21 दिसंबर को उनकी दोबारा जांच कराई गई, जिसमें वो नेगेटिव पाए गए थे। हालांकि पहली कोरोना जांच में ही उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा गया था, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन संक्रमित रहे व्यक्ति की मौत का प्रदेश में यह पहला मामला है। भले ही चिकित्सा विभाग इसे पोस्ट कोविड के चलते मौत का मामला मान रहा हो, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उदयपुर में मौत हुई है, 15 दिसंबर को संक्रमित हुए थे और उसी के बाद में इन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया और यहीं पर उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई, जिनमें 25 दिसंबर को ओमिक्रॉन वायरस होने की पुष्टि हुई थी और लगातार तबीयत खराब रहने के चलते, स्थिति बिगड़ने के चलते उनकी मौत हुई है। ऐसे में हमें सजग रहने की जरूरत है। अब डरा देने वाली बात यह है कि उनकी 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन जब जीनोम सीक्वेंस की गई तो उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। इसके बाद दूसरी बार 25 दिसंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई, जिसने डॉक्टरों को एक बड़ी चिंता में डाल दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग कभी विदेश भी नहीं गया था और उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज भी लगवा ली थी, लेकिन 31 दिसंबर 2021 तक आते आते मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। हैरत की बात यह है कि अस्पताल मरीज की मौत की वजह पोस्ट कोविड निमोनिया को मान रहा है। उदयपुर में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से एक व्यक्ति की आज मृत्यु हुई है। यह 73 इयर्स के मेल है, उदयपुर के सेवेना के रहने वाले थे। सर्दी जुकाम खांसी बुखार की वजह से इन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था, जो 15 दिसंबर को पॉजिटिव आए थे। 15 तारीख को ही वो अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती हुए थे। इनको जो कोमोर्बिडिटी थी उसमें हाइपरटेंशन था, डायबिटीज मेलिटस था और हाइपोथायराइडिज्म था। क्योंकि ये डबल नेगेटिव आ चुके थे, इसलिए कोविड टेस्ट तो नहीं मानेंगे, लेकिन पोस्ट कोविड टेस्ट जरूर मानेंगे। इनको वैक्सीन की भी दोनों डोज लग चुकी थी। आपको बता दें कि कल ही महाराष्ट्र के इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम के मीडिया बुलेटिन में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत की बात कही गई थी। दरअसल 28 दिसंबर 2021 को पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका के यशवंत राव चौहान अस्पताल में एक 52 साल के व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह व्यक्ति नाइजीरिया घूमकर आया था और इस मरीज को पिछले 13 सालों से डायबिटीज की बीमारी थी। हालांकि इस मरीज की मौत की वजह को नॉन कोविड कारण माना गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की आज आई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित था। अगर देखा जाए तो भारत में अभी तक ऐसे 2 लोगों की मौत हुई है जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। वहीं भारत में ओमिक्रॉन के मामले 1200 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यह वेरिएंट पिछले 29 दिनों में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 300 से ज्यादा मामले, तो वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा 450 के पार पहुंच चुका है।